हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपना पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने एक अपना टेक्निकल चैनल बनाया है। अगर आपको लगता है कि मैं टेक से रिलेटेड न्यूज दे सकता हूं, जैसे कि मोबाइल फोन्स के रिव्यू या गैजेट्स के बारे में, तो आप मेरा वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको इस वीडियो के एंड में भी आपकी स्क्रीन पर एक चश्मिश का फोटो दिखेगा, आप चैनल वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपने कभी ना कभी तो हॉरर फिल्में देखी ही होंगी, या हो सकता है आप में से काफी लोग हॉरर फिल्में देखने के शौकीन हो। क्या आप जानते हैं कि हॉरर फिल्मों में जो दिखाई जाने वाली कहानियां और घटनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की असल जिंदगी से जुड़ी होती हैं। ये सिर्फ मात्र कल्पना ही नहीं होती, और वैसे भी ये दुनिया अद्वैत पर निर्भर है, यानी कि पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव जरूर होता है। उसी तरह से अगर ईश्वर है तो बुरी आत्माएं भी हैं, जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो चलिए आज हम ऐसी एक सच्ची घटना की बात करते हैं जो कि काफी डरावनी है। जैसा कि मैंने कहा, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये कोई कहानी नहीं है, मैं इसमें आपको एक डायन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ब्लडी मैरी। शायद आप लोग जानते ही होंगे। बताते हैं, इसने यूरोप देश में अपने खौफ का आतंक मचा रखा था। सबसे अनोखी बात तो यह है कि आप इस डायन को आज भी अपने सामने बुला सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इससे कांटेक्ट कैसे किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस लड़की की पूरी कहानी क्या है, जिसका नाम ब्लडी मैरी पड़ा। माना जाता है पहले जमाने में यूरोप में एक प्रथा होती थी, जिसमें एक कुंवारी लड़की को अंधेरे में हाथ में एक ऐनक और दूसरे हाथ में एक मोमबत्ती लेना होता था, और उस ऐनक और मोमबत्ती को लेकर उसे सीढ़ियों पर उल्टा चलना होता था। सीढ़ियों पर उल्टा चलते वक्त उस लड़की को अपने चश्मे में देखना होता था। माना जाता है कि इस प्रक्रिया के वक्त उस वक्त लड़की को उस ऐनक में अपने होने वाले पति का चेहरा दिखाई देता था, जिसकी यह मान्यता थी कि उसका वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। और अगर इसी प्रक्रिया में किसी लड़की को कोई कंकाल या खून से लथपथ कोई व्यक्ति दिखता था, तो मान्यता थी कि विवाह से पहले ही उसके पति की या उस लड़की की मौत हो जाएगी, जो कि बहुत बुरा संकेत माना जाता था। और मजबूरी यह थी कि विवाह से पहले यूरोप में इस प्रक्रिया को जरूर करना होता था। कहा जाता है कि एक मैरी नाम की औरत भी इसी प्रथा से गुजरी, परंतु उसको अपने ऐनक में एक कंकाल दिख गया। वो समझ गई अब उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसी दुख में उसने अपनी जान दे दी। अब कहानी कुछ भी हो, लेकिन ये एक तथ्य है, आज भी कोई रात के 3 बजे, जिसे भूत प्रेतों का सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम माना जाता है, अगर उस वक्त कोई शीशे के सामने खड़ा हो जाए और हाथ में एक मोमबत्ती लेकर शीशे में देखते हुए 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी कहे, तो उसकी आत्मा उसको शीशे में दिखने लगेगी। और बहुत सारे लोगों ने तो इस बात की पुष्टि करने के लिए यह प्रक्रिया करके देखी, यानी कि वह लोग चाहते थे कि ब्लडी मैरी को वो देखें, क्या ब्लडी मैरी की आत्मा से कांटेक्ट किया जा सकता है, तो उन्होंने यही प्रक्रिया करके देखी। और उन सभी लोगों का मानना है कि उन्हें ब्लडी मैरी की आत्मा दिखी, जिसमें से कई लोगों को तो उसने नुकसान भी पहुंचाया। और अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप यूट्यूब पर इसके और भी कई सारे वीडियोस देख सकते हैं। और कहीं अगर आप अब यह सोच रहे हो कि यह मैं भी ट्राई करके देखूं, उस आत्मा से कांटेक्ट करके देखूं, हाथ में मोमबत्ती लेकर रात के 3 बजे शीशे के सामने ब्लडी मैरी का नाम 3 बार बुलाऊं, तो मैं कहूंगा ऐसा सोचना भी मत। बाकी मैंने तो ऐसा करके नहीं देखा, क्योंकि क्या पता कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट बड़ी टेंशन दे दे। अब मुझको 100% ये तो नहीं पता कि यह बात सच है या नहीं, लेकिन साइंस इसे दिमाग का धोखा मानता है। धोखा ही सही, काफी केसेस में हमारा दिमाग हमें धोखा ही देता है, जिसकी वजह से हमें काफी बीमारियां या बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब भूतों की कहानी सच हो या ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए मैं ये करने के लिए आपको मना कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आई है तो लाइक करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर ये चैनल क्वेश्चन वर्ल्ड आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर तरह की रहस्यमय जानकारी आप लोगों के सामने लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।